बहन जी देखिए नाराज मत होइए, गलती किसी की नहीं है, दोनों बच्चे हैं अभी, नादान हैं, उम्र ही उनकी ऐसी है। बहन जी आप लड़के की माँ हैं, इसलिए आप अपना बड़ा दिल दिखा सकती हैं। हम लड़की वाले हैं, हमें अपनी लड़की को कंट्रोल में रखना होगा। सुषमा मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि दोनों बच्चे पढ़ाई करें और अच्छे से एग्जाम दें, लेकिन इन दोनों ने ही अपनी बुआ जी की बात का मान नहीं रखा। जो हो गया सो हो गया, बात को यहीं खत्म करते हैं ना। उन दोनों को पढ़ाई भी करनी है और आगे एग्जाम भी तो देनी है। जी भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर आगे की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। वो क्या है ना, जब लड़की किताबें ज्यादा पढ़ लेती है तो दिमाग में रिश्तों के लिए जगह नहीं बचती। लेकिन एक बात की मैं आप सबको गारंटी देती हूँ कि शादी से पहले मैं इसके दिमाग में समझ घुसा कर रहूंगी। दामाद जी से मिलना तो क्या, मैं इसे उनसे फोन पर भी बात नहीं करने दूंगी। चंदा परू क्या करिए, शादी है तेरी और तू किताब में घुसी हुई है। चलिए जरा लो कर लो बात, आज घर में शादी का खंभ लग रहा है और ये मैडम जी परीक्षा देने जा रही हैं। किसी और घर में शादी होती ना तो घर से बाहर पैर भी ना रखने देते। चलो हमें क्या है, अगर तेरे ससुराल वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या है ना। चुप हो जा चंदा। पर वो बेटा आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, तेरा सपना मेरा सपना, आज सबके सपनों की परीक्षा का दिन, मेरा और साईं बाबा का आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा, तुझे सफलता मिले यही मेरी कामना है। आजा बेटा सब ठीक रहे। हे साईनाथ जी, मुझे और संजय दोनों को एग्जाम में सबसे ऊपर के नंबर देना। बेटा एकदम फ्री माइंड से एग्जाम देना, किसी भी बात की कोई टेंशन मत लेना, और हाँ ऑल द बेस्ट, मेरे बेस्ट विशेस हमेशा तुम्हारे साथ। जब तक मैं अपने बुआ जी के हाथ का दही शक्कर नहीं खाऊंगा तब तक मेरा एग्जाम में दिमाग चलेगा ही नहीं। थैंक यू बुआ जी। यही तो रिश्तों की खासियत है बेटा, बड़े कितने ही नाराज हो जाएं, बच्चे प्यार से दो बोल क्या बोल देते हैं, हम लोग फौरन पिघल जाते हैं। All the very best. अच्छे से एग्जाम दो और छा जाओ। चमत्कार से
दिखाया, जितने भक्त चरण पर आए वे कुछ शांति चिंतन कर पाए। क्या? परागी ने स्पीड में आती हुई बाइक देखी और उसके सामने आ गई। अगर परागी नहीं आती ना तो मैं एग्जाम देने के लिए जिंदा भी नहीं होता। पता नहीं किसने किया ये, कौन है ऐसा बड़ा दुश्मन जो अगर परागी को कुछ हो जाता ना तो। भाई साहब मैं पता करवाता हूं, सीसीटीवी फुटेज, आई विटनेस, कहीं से कोई तो लीड जरूर मिलेगी। इतनी चोट लगी है परागी को, आई एम श्योर डॉक्टर बेड रेस्ट करने के लिए भी कहेगा और रिकवरी बहुत धीरे धीरे होगी। इसकी हालत देखकर तो लगता है कि शादी की रस्में अटेंड नहीं कर पाएगी। तो शादी पोस्टपोन करनी पड़ेगी। नहीं नहीं बहन जी, आप परागी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ये डॉक्टरों की दवाई तो एक तरफ, अपनी डेयरी का फेवर हल्दी दूध पिलाकर इसकी ऐसी मालिश करूंगी ना कि ये दो दिन में फिट फोर हो जाएगी, अरे भोपाल पुलिस में भर्ती होने लायक। हाँ वैसे भी बहन जी शादी के कार्ड में डेट बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो रिश्तेदारों में भी बट चुके हैं ना। पर आंटी जी इस समय हमारी प्रायोरिटी क्या है? नहीं मुझे हम सब से पूछना है कि इस समय क्या जरूरी है, शादी करना जरूरी है या परागी की हेल्थ जरूरी है? जब तक परागी ठीक नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं होगा, दैट्स इट। नहीं संजय, हम शादी की कोई भी रस्में कैंसिल नहीं करेंगे। परागी तुम थे तो इस चोट में भी मैंने एग्जाम दे दिया, शादी भी कर लूंगी। तो ठीक है बच्चों, तुम्हारे पास अभी दो दिन है परागी, इन दो दिनों में तुम अच्छे से रेस्ट करो। क्या हुआ बहन जी? बहन जी आपको हमारे परिवार की एक बहुत ही जरूरी रस्म के बारे में बताना है। कौन सी रस्म? आपको हमारे सगे संबंधी और रिश्तेदारों को 101 सोने की गिन्नियां देनी होगी। बड़ी मम्मी कुछ परेशान लग रही है। आगे तिलक की रस्म के लिए। अरे आंटी जी अंकल जी आई। आंटी जी अंकल जी इस रस्म के शुरू होने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ।
क्या मांग है आपकी? आई एम श्योर कि जो मैं चाहता हूँ वो आप मना नहीं करेंगे। अब संजू का तिलक तो हो गया है, बाकी सब रस्मों में बच्चों का कोई काम नहीं, तो तुम लोग जाओ और एंजॉय करो, अब हम बड़े संभाल लेंगे। अबे समदन जी, अब सगे संबंधियों के शगुन की रस्म करें हम? बिगड़ो मेरी बात तो सुनो। अरे मैं बिगड़ो, आप भाभी से मिलने जा रहे हो, वही भाभी के घर, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं फंस जाऊंगा ना। मुझे पता है ना तू कौन है। मतलब? अरे मेरा छोटा भाई है और होनहार है, संभाल लेगा सब। चल ठीक है, बुआ जी ने पूछा तो। तो बहन जी अब रिश्तेदारों का तिलक कर दीजिए। जी बहन जी, हम लोग भी तैयार हैं। भाभी जी, ये लोग खाली लिफाफे ही लटका के चले आए हैं क्या? अरे नहीं नहीं छोटे समधी जी, हम आपको शिकायत करने का मौका नहीं देंगे। सुषमा जी, ये सब क्या है? मतलब इसकी क्या जरूरत थी? चंदा ये क्या है? दामाद जी की तिलक की रस्म है। ससुराल वालों का ऐसे खाली खाली तिलक करेंगे तो हमारे ही माथे पर कालिक चुक जाएगी ना। परागी की बड़ी मम्मी नहीं, असली मम्मी हूं मैं। किसी तरह जुगाड़ लगाकर मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया, बस आप लिफाफे पकड़ाते जाइए। अब मैं आगे की रस्म करती हूँ, किसी तरह पैसे का इंतजाम हो गया। मैं मांगता हूँ तो हाथ खड़े कर देती है माँ, और परागी की शादी में सबको सोने की गिनिया बांट रही है। माँ के पास इतना पैसा तो कभी था नहीं, फिर ये सब कैसे? संजय आई एम सॉरी बट प्लीज 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 शांत हो जाओ ना प्लीज। संजय मैं जानती हूँ कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। यूपीएससी की तैयारी करने वाले थकते हैं, टूटते हैं, गिरते हैं, मगर हारते नहीं। तुम भी गिव अप मत करो संजय। इस साल नहीं तो क्या हुआ, अगले साल तुम्हें आईएएस बनना है, और देखना तुम बन के रहोगे आईएएस ऑफिसर, और उसमें मैं पूरी तरह से तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन आज हम पति पत्नी तो बन सकते हैं ना, ये सपना भी तो हम दोनों का है ना, इसे आज पूरा करेंगे, कल यूपीएससी भी क्लियर करेंगे तुम्हारा। ये तुम्हारी पत्नी का वादा है तुमसे संजय, तुम्हारी परु दुल्हन बनकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं जानती हूँ मेरा संजय बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी परु को लेने बारात लेकर जरूर आएगा, आओगे ना तुम?
मुझे पता है संजय तुम जरूर आओगे। चंदा बहन, शादी टूटने का गम बिल्कुल भी ना करो। मैं तो कहती हूँ परागी के आईएस बनने की खुशी मनाओ, पर ऐसे लड़कों के रिश्ते तो आते जाते रहेंगे। परागी बिटिया से हमारी बेटियों को कुछ टिप्स दिलवा देना, लेके आऊंगी आपके घर। और हाँ, परागी बिटिया की सरकारी कोठी पे हमें बुलाना मत भूलना। और देखो, अपने डेरी वेरी का बिजनेस बंद करो और अपना स्टैंडर्ड ऊपर करो। और वैसे ठीक ही हुआ उसकी शादी टूट गई, आईएस बिटिया की सरकारी कमाई की सारी मलाई अकेले खा जाना। माँ, माँ सोच क्या रही हो? परू को घर के अंदर लेकर जाओ। याद रखना माँ, मैंने जो कहा था, हमारी जिंदगी की सारी तकलीफें ये आईएस ऑफिसर, हमारी परागी सब दूर कर सकती है। माँ सोच क्या रही हो? माँ आज तक ना मैंने सिर्फ सुना था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मैं ये बात समझती ही नहीं थी। आज समझ गई और तेरी बात भी समझ गई। अब इस शादी के टूटने में बचाई क्या है? अरे संजय की बुआ जी ना एकदम सही कहती हैं कि आदमी का अहंकार बहुत बड़ा होता है। वो अपनी पत्नी को अपने से आगे कभी नहीं जाने दे सकता, इसलिए शायद संजय बाबू भी वापस नहीं आएंगे। और अगर संजय बाबू वापस ही नहीं आए तो ये शादी कैसे होगी? अरे क्या करना है ऐसे यूपीएससी का, बेचारी की दूसरी शादी भी टूट गई। चलो भाइयों चलते, अब यहाँ कोई शादी वादी नहीं होगी। चलो, कोई कुछ भी बोले, कितनी भी उल्टी सीधी बातें क्यों ना करे, मुझे पता है सच्चे तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम्हारी सोच इन सबसे बड़ी है। तुम सबसे अलग हो, हर एक लड़के के लिए मिसाल हो तुम जरूर आओगे। परागी, मेरा चल घर चले। बेटा मैं जानती हूँ कि जिंदगी में सब कुछ नहीं मिल सकता हर एक इंसान को। देख, तेरी दूसरी शादी टूटी है, लेकिन बदले में तुझे इस बार अपना सपना जीने का मौका मिल रहा है। भगवान एक हाथ से लेता है ना तो दूसरे हाथ से देता भी है। उसके छीनने का गम मत मना, उसके देने की खुशी मना। चल घर, हम तेरे रिजल्ट का ना केक कटिंग करेंगे। चल, शादी वादी भूल जा, अब तू अपने अफसर बनने की तैयारी कर। बनेगी ना तू मेरी आईएएस अफसर बिटिया। बड़ी मम्मी, मैं यहाँ से घर नहीं, अपने ससुराल जाऊंगी। परागी पराशर से परागी पाठक बनकर ही जाऊंगी। लेकिन संजय नहीं आएगा। वो आएगा बड़ी मम्मी। हर उस एक इंसान का मुंह बंद कर दे जिन्हें लगता है कि वो नहीं आएगा। संजय बाबू, तुम्हारी बुआ जी ने भले ही न चाहा कि ये शादी रोक दे या तुम्हारे प्यार के आगे वो कमजोर पड़ गई, लेकिन मेरी जिद के आगे तो तुम्हारा प्यार भी कमजोर पड़ जाएगा। मैं ये शादी रोकूंगी, परागी को तुम्हारी दुल्हन नहीं बनने दूंगी। विवाह की विधि शुरू होने से पहले वधु के माता पिता कन्यादान के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। चल चंदा। अरे पंडित जी कन्यादान की रस्म के लिए बुला रहे हैं, आ जा। Mangala 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 Mang
तुझे क्या लगा था कि तेरी बड़ी मम्मी हूं इसलिए तेरा कन्यादान नहीं करूंगी? तेरा कन्यादान मैं ही करूंगी। अब क्या होगा मां? आप तो सोचती रहेगी, और वो आ गया पाठक का लड़का, संजय पाठक वापिस आ गया वो। माँ अभी भी वक्त है, अभी भी हमने कुछ किया नहीं ना तो ये दोनों की शादी हो जाएगी। नहीं होगी ये शादी। परागी के आईएएस बनने की मलाई सिर्फ मेरे बच्चे खाएंगे। अपने देवर की लड़की की सेवा जो की है ना मैंने, उसका मुआवजा लेने का वक्त आ गया है। हाँ तो मां जो भी करना जल्दी करो, और देर की तो ये शादी हो जाएगी और हम बाकी रह जाएंगे ठंडन गोपाल। रे सब रुक जाएगा, ऐसी चोट देकर रुकेगी ना कि सिर्फ दिल नहीं टूटेंगे उनकी आत्मा तक। कन्यादान एक महादान कहलाता है। कहते हैं जिस पुत्री को हमने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, आज उसी कलेजे के टुकड़े को हम कन्यादान की पद्धति के द्वारा दूसरे के परिवार में समर्पित करते हैं। एक बहुत बड़ा दान है और ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। आज से आपकी कन्या इनकी हुई। इस खुशी के लिए हर सितम मैं उठा लूंगा। फरागी बेटा, अरे चुप कर जा, ये तो जग की रीत है। फरागी, आज मैं तुम्हें इस अग्नि के सामने, इस हवन कुंड के सामने यकीन दिलाता हूँ कि शादी के बाद भी तुम अपने परिवार की उतनी रहोगी जितना कि शादी से पहले थी। शादी करके तुम्हें एक नया परिवार मिलेगा, ये पुराना परिवार छूटेगा नहीं। मेरा वादा है तुमसे। आज अगर मेरे संजू के जीवन में परागी ना होती तो पता नहीं हम उसके फेल होने के गम से संजू को कैसे संभाल पाते। परागी मेरे संजू की सिर्फ हमसफर ही नहीं, इंस्पिरेशन भी बनेगी और अगले अटेम्प्ट में यूपीएससी भी वही क्लियर कराएगी। मुझे मेरी बेटी परागी पर पूरा भरोसा है। ये तो पहुंच गई यहां, कहाँ है वो लोग? आई क्यों नहीं अब तक, पता नहीं कहाँ रह गए। पंडित जी, पराशर जी के यहाँ से चंदा जी आई थी चुनरी लेके माता के आशीर्वाद के लिए। जी जी अभी लाता हूँ। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तो यही एक मौका, ये मौका हम हाथ से जाने दे नहीं सकते, ठीक है? क्या करें? संजय, विवाह के हवन कुंड का इस तरीके से बुझ जाना बहुत बड़ा अपशगुन होता है बहन जी। बुआ जी,
शगुन अपशगुन ये सब बस हमारे दिमाग की उपज होती है। ना माने तो कोई अपशगुन नहीं। आप देखिएगा मेरी और संजय की शादी में कोई बाधा नहीं आएगी। शाबाश परागी बेटा, आज तुमने इस पवित्र अग्नि को बुझने से बचा लिया। मुझे पूरा भरोसा है अगर तुम्हारे ससुराल पे कोई संकट आ जाएगा तो तुम ढाल बनकर हमेशा खड़ी रहोगी। ढाल तब बनेगी ना जब शादी होगी और इस शादी को होने। क्या बकवास बात कर रही हैं आप? मेरी माँ दहेज मांगना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। इनके खिलाफ कंप्लेन आई है हमारे पास। इन्होंने दहेज लिया है, इसी का ये हश्र है। आप लोगों को किसने कहा कि इन्होंने हमसे दहेज मांगा है और बिना पूछताछ के आपने ये किया कैसे? ओ अफसरनी, सुषमा सिर्फ नाम की सुषमा है, नहीं तो इससे भलता और बेकार इंसान कोई नहीं है। शराफत का सिर्फ नाटक और ढोंग करती है दहेज की लालची औरत। बस बस, खबरदार अगर मेरी पत्नी के बारे में ऐसी घटिया बातें की तो। अच्छा, आपकी पत्नी लड़की वालों का खून चूसे तो ठीक, और हम सच भी बोले तो आप हमारे सर पर चढ़ेंगे? आप जैसे रईस लोग सिर्फ मुखौटा पहनते हैं। वाह भाई साहब वाह, ये क्या दहेज दहेज किए जा रही हैं आप? जो कुछ भी कहना है खुल के कहिए। ओ चश्मे वाली बहन जी, आपकी क्या अकल को भी चश्मा लगाना पड़ेगा? दहेज में जो 101 सोने की गिन्नियां मांगी थी बड़ी आसानी से भूल गई। गिन्निया? 101 सोने की गिन्निया? कौन सी गिन्निया? किस गिन्नियों की बात कर रहे हैं आप? परागी की बड़ी मम्मी नहीं, असली मम्मी हूं मैं। किसी तरह जुगाड़ लगाकर मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया। समधन जी, तमाशा मत कीजिए यहाँ, प्लीज। समधन जी मतलब? जी वो मेरी बड़ी बेटी आदिति की सास है। ओ अब समझी मैं, अब मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है। मैं तो समझ रही थी कि आपका परिवार ही नौटंकीबाज है, लेकिन नहीं, यहाँ तो पूरा का पूरा कुनबा ही नाटक कर रहा है। मैं भी कल पैदा नहीं हुई हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। ये हमें फंसाया जा रहा है बदनाम करके हमसे पैसे एंट्री के लिए ना? इन लोगों के मुंह लग के कोई फायदा ही नहीं है। ये मिडिल क्लास वाले लोग हम जैसे बड़े घर वालों को फंसाना अच्छे से जानते हैं। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, वो ही आके इनकी खबर लेगी। पुलिस को? हाँ हाँ, बुलाइए पुलिस को। मेरा बेटा भी पुलिस में है, सबको लेकर जाएगा और जेल में सड़ाएगा पूरे कुनबे को। अरे तुम जैसे दहेज के लोभियों के साथ ये होना ही चाहिए? बस बस बस। बहुत फालतू इल्जाम लगा लिया आपने और बहुत बकवास कर ली। जस्ट बिकॉज कि आपके लड़के की शादी परागी से नहीं, उस बात का बदला ले रही हैं आप? संजय बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सास पर इतना
घटिया और बेबुनियाद इल्जाम लगाने की? परागी, सास है वो मेरी, तमीज से बात कर, समझी? ये घटिया और बेबुनियाद हरकत ना तेरी सास ने की है दहेज मांगकर। मेरी सास ने ना कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया, दहेज लिया है तो ये हशर होगा ही। लड़की आईएएस बन गई तो लड़के वाले को निया डोल गई। क्या बोला तू? माइंड योर वर्ड्स। ओ भाई साहब, तमीज से बात कीजिए, तमीज से, मेहमान है वो हमारे। ओए चुप, इसको बोल तमीज से बात करने को, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। अगर मेरे पापा से ऐसे बात की ना तो जूता उतार के मारूंगा। आओ, तमीज से रहने वाले को औकात दिख रही है सबको। किंकर चुप, बदतमीजी मत कर। पापा कुछ गलत नहीं बोला किंकर ने, तो हम भी यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आए हैं। तो ऐसा काम ही मत करो ना कि बेइज्जती हो। लालच की कोई सीमा थोड़ी ना होती है, और हम यहाँ बुलावे पे आए हैं, कोई मुफ्त की रोटी तोड़ने नहीं आए हैं। अगर इतना ही है तो निकलो यहाँ से। ब्लडी मिडिल क्लास। ओ अमीर साहब, आप निकालेंगे हमें यहाँ से? हाथ तो लगा कर दिखाओ, फिर बताता हूँ। बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। माँ दहेज लेने जैसा घटिया काम कर ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए एक बार बात क्लियर कर ही लेते। क्या कहा था आपने? कंप्लेन लिखवाई किसी ने? बताइए किसने लिखवाई कंप्लेन? हमने की, क्योंकि हमें अदिति से बातों ही बातों में पता चल गया था कि तुम्हारी ससुराल वालों ने, खास तौर पर तुम्हारी सास ने, तुम्हारी ताई जी से 101 सोने की गिन्निया दहेज में मांगी।